माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर्स, आपको जैसे कि पता है कि मेरा जो चैनल है मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से है। मैं मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे व्यूवर्स या मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जो ज़रूरत है ताकि जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने को हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा ही मेरा सब्सक्राइबर, मेरा फ्रेंड, मेरा व्यूअर, उसने मुझे कहा कि आप इस टॉपिक पर बनाएं वीडियो जो कि दुनिया में लोग जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। मेरा ख्याल है कि 99% लोग मरना नहीं चाहते, जीना ही चाहते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की बात है, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि मैंने सिर्फ जीना है, बस पैसे को इकट्ठा करो, बिल्डिंग बनाओ, अपने जो लग्जरी चीज़ें वो खरीदो और खूब मज़े करो। माय डियर, ऐसे ही बहुत सारे लोग हमें दुनिया में मिलते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द की बात हम करते हैं तो उसमें भी हमें मिलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं मैं बस जी लूँ, जितना भी जीना चाहूँ मैं जी सकता हूँ, मरना कोई भी नहीं चाहता है। माय डियर फ्रेंड, इस पूरी सिचुएशन में एक गैप है। जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, इस दौरान जो है शुरू जो होता है, हम पैदा जब होते हैं और जब मर जाते हैं, लेकिन हम मरना नहीं चाहते, उसके अंदर जो हमारी लाइफ है उसके अंदर एक गैप है। और वो गैप क्या होता है, वो ये है कि हम जिए, जितना भी हमसे जिया जा सके हम जिए। हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ये पानी के बुलबुले की तरह है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये किसी को नहीं पता कि जिंदगी कब खत्म हो जाए कब नहीं, लेकिन हमारी विश होती है, हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी बहुत सारी इतनी विशेष होती हैं कि हम बस जीते रहें, मरे नहीं। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल मिलती है। आज मैं जिस पर्सन की एग्जाम्पल देता हूं, उसने भी ये कहा लोगों को कि मैं 150 साल जिंदगी बसर करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस शख्स ने ये कहा कि मैं 150 साल तक जिंदा रहूंगा। और आप सब उसको जानते हैं, बहुत ही ज्यादा किंग ऑफ पॉप म्यूजिक कहलाता है, और उसका नाम है माइकल जैक्सन। कंप्लीट नाम अगर उसका देखा जाए, जोसेफ माइकल जैक्सन। वो सिया फॉर्म में पैदा हुआ अमेरिका में, और बहुत ही ज़्यादा अपने घर में जो कि तमाम बहन भाइयों में वो छोटा था, और उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, या बहुत ज़्यादा उसे ऐसा समझा जाता था। वो अपनी फैमिली को भी पसंद नहीं करता था, वो अपने आप को बस ये अपने आप को चेंज करना चाहता था। लेकिन खुदा ने उसमें टैलेंट डाला हुआ था, और टैलेंट क्या था, म्यूजिक का। उसने ऐसा दुनिया में हलचल मचा दी कि दुनिया जो भी उससे चाहती थी, और जो दुनिया को उसने ले लिया कि लोगों को ये पसंद है, और उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। इवन के मरने के बाद भी पैसा कमाता रहा, डॉलर उसे मिलते रहे, और वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो कहता था कि मैंने 150 साल जीना है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो अपने आप को इतना तकब्बुर करता था कि मैं बस जो मैं सोचता हूं, जो मैं कहता हूं वो। लेकिन शायद उसे पता भी नहीं कि जिंदगी में जो खुदा देता है, और जब चाहे वो किसी को बुला सकता है। बड़े बड़े बादशाह आए, मर गए, चले गए, हर कोई चाहता था जिंदगी गुजारना, ऐश इशरत से साथ जिंदगी गुजारना, लेकिन कोई भी ना वो पैसा रहा, ना उसकी जायदाद रही, ना वो महल रहे, ना वो जो उसके बाद लग्जरी चीजें थी वो ना रही। माइकल जैक्सन जो है वो जो है हमेशा वो ये कहता था कि मेरे जैसा पॉप म्यूजिक में कोई भी नहीं, और वाकई जैसा कोई नहीं था। अभी तक उसको कहा जाता है ये शहनशाह जो म्यूजिक कहा जाता है पॉप म्यूजिक में, वो सिंगिंग में और डांस में लोग उसके दीवाने हो जाते थे जहां भी वो प्रोग्राम करता था। और उसने आखिरकार दुनिया में उसने अपनी लाइफ के लिए कि मैंने 150 साल जीना है, उसने 12 डॉक्टर रख लिए। उसको काले रंग का उसे पसंद नहीं था, उसने अपनी बहुत सारी सर्जरी करवाई,
बहुत सारा उसने अपने आप पर पैसा खर्च किया, वो गोरा भी हो गया, लेकिन आखिरकार वो गोरा उस काम का क्या रहा? उसने माँ बाप भी अपने परचेज कर लिए गोरे ताकि उसे मिल जाए, लेकिन माय डियर उसकी जिंदगी जो है, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ सिर्फ खुदा की जात है जो जिंदगी दे सकता है। उसने डॉक्टरों पर ज्यादा इत्माद किया, खुदा पर नहीं। अगर वो खुदा से दुआ मांगता, खुदा से मांगता कि मुझे जिंदगी अता करे, तो शायद उसे 150 साल क्या 200 साल भी खुदा उसे जिंदा रख सकता था। लेकिन उसने कहा मैं जीऊंगा। उसने अपने लिए हार्ट क्या कुछ उसने अपने लिए लैदा रख लिए, जो डोनर थे उसको देने के लिए तैयार थे कि हम आपको देंगे, लेकिन आखिरकार जब उसकी मौत थी तो चंद सेकंड में उसकी मौत हो गई। ऐसे हमारी दुनिया में इर्द गिर्द बहुत सारे हम लोग देखते हैं जो कि पैसे के लिए अपने आप को बेच डालते हैं, अब पैसे के लिए अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देते कि मुझे ये मिल जाए। उसे ये नहीं पता होता कि मेरी ज़िंदगी क्या है। हम दूसरों का हक मारना चाहते हैं, दूसरों के राइट्स मार लेते हैं, दूसरों के साथ नजायज़ करते हैं, दूसरों का पैसा नजायज़ लेते हैं, लेकिन शायद हम खुदा से दूर हो जाते हैं। जब हम खुदा से दूर होते हैं तो हमारी ज़िंदगी का कोई कुछ नहीं रहा, उसके बारे में कोई भी कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के। मैं आपसे कहता हूँ कि जिंदगी में वो जो गैप है, मैंने कहा पैदा होने से और मरने तक जो हमारी जिंदगी बिटवीन है, वो गैप जो है उसको फिल करना है। वो ऐसे करना है दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, दूसरों के साथ प्यार बांटने के लिए, दूसरों के लिए अच्छाई करने के लिए, दूसरों के लिए भलाई करने के लिए, दूसरों को राइट देने के लिए, दूसरों को हक देने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। अगर हम करेंगे तो खुदा हमारे साथ है। यहाँ जो जिंदगी माय डियर बींग अ क्रिश्चियन, बींग अ ह्यूमन बींग, हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें यकीन है कि हम ये जिंदगी आरजी है, और ये यहूदी भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं, ये जिंदगी आरजी है। जो अच्छे काम करेगा, जो खुदा के साथ दुआ में रहेगा, वो खुदा से जो वो करेगा उसके मुताबिक आइंदा जिंदगी में जो अबदी जिंदगी है वो बाप की जिंदगी है। इस मौत के बाद एक नई जिंदगी होगी, और उसके लिए हम अगर उसकी चीजों के लिए तलाश में रहें तो हम अबदी जिंदगी पा सकते हैं। और माइकल जैक्सन ऐसी पर्सनैलिटी थी जो दुनिया उसकी दीवानी थी, और वो जब जिंदगी उसने 50 साल तक भी नहीं गुजारी, उसने बहुत जल्दी उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। और मैं समझता हूं कि हमें लोगों पर नहीं, डॉक्टरों पर इत्माद नहीं, बल्कि उस खुदा की जात पर ईमान रखने की जरूरत है जो कि खुदा हमें हमेशा जिंदगी देने वाला है। हमेशा उसी पर तकब्बर, उसी पर उम्मीद रखनी चाहिए, उसी पर भरोसा करना चाहिए, और यही सब कुछ है। ओके माय डियर फ्रेंड, हमें डेथ के बाद जो जिंदगी है उसके लिए तैयारी करनी है, और जो हमारी पैदा होने के बाद जिंदगी है उसमें अच्छाइयों के लिए, दूसरों की भलाइयों के लिए हमें करने की जरूरत है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो जरूर देखें, अगर किसी को पसंद आए इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच कि आप मुझे न्यू वीडियो के लिए आइडियाज देते हैं कि इस पर बनाई जाए। मैं दोबारा से आपसे ये कहता हूं कि आप कोई भी नया कोई टॉपिक देना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि इस पर बनाई जाए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।